अतः चौदहवें अध्याय का माहात्म्य, माहात्म्य कहो, पुण्य कहो, फल कहो, जो आपकी इच्छा हो वह है। लेकिन सिर्फ कहना इतना ही है कि सिर्फ एक अध्याय का इतना फल है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अरे पूरी गीता कम से कम नहीं सुन सकते हो तो एक अध्याय सुन लो और उसका माहात्म्य पढ़ लो, उसका ही आपको बहुत फल मिलेगा। ये नहीं आप एक महीने में एक बार पढ़ लो, प्रतिदिन पढ़ सकते हो, प्रतिदिन पढ़ लो भैया, कभी ना मिले तो साल में तो एक बार पढ़ ही लो, सोमति संक्रांत होरी दिवारी जब भी टाइम मिले। लेकिन गीता ज्ञान अवश्य पढ़ें, दूसरों को सुनाएं जब भी टाइम मिले। अब तो मान लो हमने डाला है, और भी डली हुई है, संस्कृत में डली हुई है, जब भी चाहो आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। सुनने में तो आप काम करते रहो, खाना बनाते रहो, या अपने किसी का, मतलब काम पे बैठे हुए, जैसे दुकान वाले हो, दुकान चल रही है, तुम्हारी दुकान चल रही है, अपने मोबाइल को चालू करके रख लो, अपने गीता ज्ञान सुनते रहो। तारने वाली भागवत गीता, अंत समय में कानों को श्रवण करने वाले शब्द होते हैं, वो गीता के ही होते हैं, वो यही मुक्ति देती है। इसलिए इसको अवश्य सुनो, इसी से आपका कल्याण होगा। नमो राघवाय। नारायण हो वाचा। हे लक्ष्मी, कश्मीर देश में सरस्वती क्षेत्र के राजा का नाम सूर्य वर्मा था। मंगलदीप के राजा के साथ इसकी प्रीति थी। एक समय मंगलदीप के राजा ने सूर्य वर्मा को बहुमूल्य घोड़े और रत्नादि भेजे। कश्मीर के राजा के मन में विचार आ कि अब मंगलदीप के राजा को एक ऐसी वस्तु भेजिए जो वह ना हो। मंत्री ने कहा कि वहाँ सिपाही भेजना उत्तम होगा। सोने की जंजीरों के साथ मखमली गद्दों पर डोलियों में बिठाकर कुत्ते मंगलदीप भेजे। राजा प्रसन्न हुआ और बोला, हम लोग भी शिकार खेला करेंगे। एक दिन किसी दूसरे राजा के साथ राजा शिकार खेलने गया और उसने शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सोले वे। दोनों राजाओं के कुत्ते एक शेर के पीछे दौड़े, सब कुत्ते पीछे रह गए। मंगलदीप के कुत्ते ने ससे को जख्मी किया। ससा रुधिर गिराता हुआ भागा और कुत्ता उसके पीछे भागा। ससा यानी शेर आगे। एक कुतिया के पास एक कच्चा तालाब था और दोनों उस तालाब में जा गिरे। जब राजा ने घोड़े को दौड़ा करवा पहुंचा तब वे दिव्य देह पाकर वैकुंठ को जा रहे थे। उन्होंने राजा से कहा, हम तेरी कृपा से वैकुंठ को चले हैं। राजा ने संत जी से पूछा, यह कैसा कौतुक है? संत ने कहा, हे राजन, मेरे गुरु इस तालाब में स्नान करके नित्य गीता के चौदहवें अध्याय का पाठ किया करते थे। मैं भी यहाँ स्नान करके चौदहवें अध्याय का पाठ किया करता हूँ। इसी जल के स्पर्श से ये दोनों वैकुंठ को चले हैं। राजा ने उसके पिछले जन्म की वार्ता पूछी। संत ने कहा, यह ससा पिछले जन्म में भ्रष्ट ब्राह्मण था, यह कुतिया इसकी स्त्री थी। इसने स्त्री को बहुत खिजाया, स्त्री ने इसको विष देकर मार डाला। जब दोनों मर कर यमलोक में गए तब धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको ससे का जन्म दो और इसको कुत्ते का जन्म दो। जब इन दोनों ने पुकार की तो महाराज, हमारा उद्धार कैसे होगा? तो धर्मराज ने कहा, जब गीता के चौदहवें अध्याय का पाठ करने वाले संतों के स्थान के जल का स्पर्श होगा, वह तुम्हारा उद्धार होगा। वह दोनों धर्मराज के वरदान से हो रहे हैं। तब राजा उन्हें नमस्कार करके अपने घर लाया और अब पंडित से नित्यप्रति गीता के चौदहवें अध्याय का पाठ सुनने लगा। नित्यप्रति पाठ सुनने से राजा का उद्धार हुआ, देह त्याग कर वैकुंठ को गया। नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह चौदहवें अध्याय के माध्यम में जो मैंने कहा तुमने श्रवण किया है। बोला, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति श्री पद्म पुराणे सती ईश्वरे संवादे उत्तराखंडे गीता मात्यम नाम चौदहवा अध्याय संपूर्णम। बोला, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम। गोविंद मेरो है
गोपाल मेरो है अरे बाके बिहारी नद लाल मेरो है।